और कैसे हैं साथियों, मैं अपने टेक्निकल और एजुकेशनल चैनल ट्यूटोरियल गुरु में आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। कृपया इस वीडियो को देखने के बाद इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो अपलोड होता है तो उसकी अधिसूचना जानने के लिए घंटा बटन को दबाएं। हेलो, नमस्कार साथियों, ट्यूटोरियल गुरु में मैं आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। इस टॉपिक में हम आपको साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पर 32 फार्मूला और शॉर्टकट ट्रिक्स के बारे में आपको डिटेल में मैं बताऊंगा। मैं ऐसा जैसा कि मैं आपको बता देता हूं कि ये जो फार्मूला और शॉर्टकट ट्रिक्स हैं ये IERT पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा SSC रेलवे और IBPS के लिए अत्यंत उपयोगी है। और ये भी मैं बता देता हूं, ये जो 32 फार्मूला और शॉर्टकट ट्रिक्स है आपको किसी भी किताब या किसी भी आपको नोट्स में नहीं मिलेगा। तो मैं आपको यही ध्यान दिलाना चाह रहा हूँ दोस्तों कि आप पेपर कलम ले लीजिए और ये जो फार्मूले हैं आपको नहीं याद आ रहा है तो आप उसको नोट कीजिए और तैयारी कीजिए, ठीक है। पहला जो फार्मूला है, साधारण ब्याज इक्वल टू क्या लिखा है, मूलधन गुणते ब्याज की दर गुणते समय बटे 100। तो यानी यदि मूलधन को हम पी मान लेते हैं, ब्याज की दर को आर मान लेते हैं, समय को टी मान लेते हैं, तो हम छोटे फॉर्म में हम PRT/100 लिख सकते हैं, ठीक है। अगला है फार्मूला चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज में आपको मैंने पिछले लेक्चर में डिटेल में जैसा कि बताया था कि चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या होता है कि इसमें जो होता है मूलधन जो होता है एक निश्चित समय पर फिक्स नहीं रहता है, वो बदलता रहता है। मतलब कि उसमें क्या होता है कि एक निश्चित समय के बाद उसमें मूलधन में ब्याज जुड़ जाता है और ब्याज जुड़ने के बाद फिर नया मूलधन बन जाता है। तो इसी पे आधारित है ये फार्मूला। तो याद रख लीजिए, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, बराबर लिखा मूलधन ब्रैकेट में 1+ ब्याज की दर बटे 100, फिर होल का पावर जो है समय, इसमें माइनस मूलधन, ठीक है। मूलधन मतलब जो शुरू वाला जो मूलधन है वो माइनस हो जाए। इस मामले में इसको हम शॉर्टकट में हम लिख सकते हैं P1+R/100T-, ठीक है। तो ये फार्मूला आप याद रखें। अगला तीसरा फार्मूला है, यदि टी रुपए की राशि को टी वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर इस प्रकार दिया जाता है कि पहले T1 वर्ष में R1 की दर, अगले T2 वर्ष में R2 की दर, अगले T3 वर्ष में R3 की दर, और अगले मान लो और आ रहा है तो अगले TN वर्ष में मैं मान लेता हूँ RN की दर है, तो समय के पश्चात पर कुल साधारण ब्याज कितना मिलेगा। मैं आपको बता देता हूँ, सिंपल ही है। जैसा ये फार्मूला है PRT/100 है, तो मान लो इसमें क्या समय बदल रहा है, तो ये इसीलिए इसमें क्या हुआ समय और दर बदल रहा है, तो इसमें क्या किया गया अलग अलग समय और दर लिया गया, ठीक है। तो और कुछ नहीं है, सिंपल क्या करो, समय और दर क्या रहे अलग अलग फार्मूले से, इसी फार्मूले से आप निकाल करके जोड़ लेंगे तो ये पूरा हमारा वैल्यू आ जाएगा। तो सिंपल भाषा में इसको शॉर्टकट भाषा में ये यूज किया गया है, ठीक है दोस्तों। तो आप इसको तैयार कर लेंगे तो आप भूलोगे नहीं और आराम से क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। यदि कोई धनराश पी वर्षों में अपने से n गुना हो जाए गी तो साधारण ब्याज की दर R% (n-1)T×100, जहाँ R दर है, n गुना है और t टाइम है, ठीक है। तो याद रख लीजिए, जैसा कि यहाँ लिखा है n गुना है, t टाइम है और R क्या है दर, ठीक है। तो याद रख लीजिए फॉर्मूला। अगला इसमें क्या करना है कि आपको ये ध्यान रखना है, यह ब्याज की दर निकालना है तो ये निकलेगा, मतलब इस फार्मूले से निकलेगा। अगला देखिए, यदि कोई धनराशि R% साधारण ब्याज की दर पर अपने से n गुना हो जाएगी तो समय क्या होगा। इसने दर पूछा था, इसमें क्या है समय है, तो समय का क्या है T=N-1/R×100, यहाँ n गुना है, R ग्रेट है, और इसमें क्या करना, मल्टीप्लीकेशन कर दोगे तो आ जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से T1 वर्षों में N1 गुना और T2 वर्षों में N2 गुना हो जाती है, तो ये फार्मूला है, ये रेशियो फार्मूला है, आप याद रख लीजिए, ठीक है। ठीक, कंपैरिजन फार्मूला है। इसमें क्या रहा है कि ब्याज की जो दर है वो समान है, मतलब इसमें जो ब्याज की दर मतलब कि जो R है, R इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। R इक्वल टू कांस्टेंट है, तो इसमें क्या कंपैरिजन फार्मूला लगा है इस बेस पे, ये आपको निकल जाएगा। अब निकालोगे तो इस बेस पे आप कोई भी क्वेश्चन ऐसा आता है तो आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है दोस्तों। आगे लिखा है, यदि किसी धनराशि पर प्राप्त साधारण ब्याज मूलधन का n गुना हो और ब्याज की दर तथा समय का संख्यात्मक मान समान हो तो R% होता है P100√n, याद रख लीजिए फॉर्मूला। मतलब कि समय और R का जो प्रतिशत रहे,
मतलब आर और टी समान हो तो जो संख्यात्मक वैल्यू जो आएगा वो टेन रूट एन हो जाएगा। मतलब केवल टाइम दिया जा रहे आर और टी फिक्स रहे तो हम निकाल सकते हैं और समय। यदि किसी मूलधन अथवा दर अथवा समय का एन गुना कर दिया जाए तो प्राप्त होने वाले साधारण ब्याज में एम परसेंट की वृद्धि या कमी। तो याद रख लीजिए, इसमें किसी में एक का एन गुना कर दिया जाए, चाहे मूलधन चाहे दर चाहे समय का, एक का यदि एन गुना कर दिया जाए तो जो वृद्धि होगा ये फार्मूला है एन माइनस वन इंटू हंड्रेड, ठीक है, ये परसेंटेज निकलेगा वृद्धि का, याद रख लीजिए। अगला है, यदि किसी मूलधन अथवा दर अथवा समय में किसी भी दो को एन वन और एन टू गुना कर दिया जाए तो प्राप्त होने वाले साधारण ब्याज में एम परसेंट की वृद्धि या कमी। तो इसमें क्या है, वो हो रहा है किसी दो को इसमें गुना कर रहा है, किसी दो का गुना मतलब मूलधन या दर या समय, ठीक है, इसमें किसी में दो का यदि गुना कर रहा है तो ये वाला फॉर्मूला है। जैसे इसमें दर और समय मान लीजिए या मूलधन दर मान लीजिए या मूलधन समय मान लीजिए, किसी दो को क्या कर रहा है यदि गुना कर रहा है तो ये फॉर्मूला। अगला है, यदि किसी मूलधन को एन वन गुना और दर को एन टू गुना तथा समय को एन थ्री गुना कर दिया जाए तो प्राप्त होने वाले साधारण ब्याज में एम परसेंट की वृद्धि या कमी क्या होगी। इसमें क्या कर रहा है, सबको सेपरेट गुना कर रहा है, यानी मूलधन को एन वन गुना कर रहा है, दर को एन टू गुना कर रहा है, समय को एन थ्री गुना कर रहा है, ठीक है। तो प्राप्त होने वाले जो साधारण ब्याज में जो कमी आएगी, कमी या वृद्धि जो आएगी, ये फॉर्मूला है। एन वन क्या है कि ये मूलधन का है, ये दर का है, ये समय का है। अगला देखिए, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है दोस्तों, लेकिन समझ जाओगे तो आराम से सॉल्व करोगे। यदि पी रुपए की राशि को साधारण ब्याज पर इस प्रकार से दिया जाता है कि कुछ धनराशि पहले T1 वर्ष में R1 की दर, कुछ धनराशि T2 वर्ष में R2 की दर और कुछ धनराशि अगले T3 वर्ष में R3 की दर और शेष धनराशि अगले TN वर्ष में RN की दर हो, तो समय की समाप्ति पर पश्चात साधारण ब्याज क्या है, समान है इसमें। तो अलग अलग दरों पर अलग अलग धनराशि P1 P2 P3 PN का मान क्या होगा, मैं आपको बता देता हूँ। यदि साधारण ब्याज समान होगा तो मैं ये फार्मूला याद रख लीजिए कि यहाँ जैसे SI क्या है, कांस्टेंट है मतलब यहाँ समान है, तो SI समान हो गया तो यानी PRT/100 इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। जब कांस्टेंट है तो हम लिख सकते हैं P1R1T1/100 इक्वल टू P2R2T2/100, यानी इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों, भूलोगे नहीं। और इसी को आगे हम लिख सकते हैं P1R1T1 इक्वल टू P2R2T, ठीक है, कोई दिक्कत। इस प्रकार ये क्या है कि जो संबंध आया है P1 P2 P3 PN के बीच, इसी प्रकार निकला हुआ, ठीक है दोस्तों। तो ये आप भूलिएगा मत कैसे निकला है। तो मैं आपको क्या है कि सिंपल से सिंपल फार्मूले में कन्वर्ट करके मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ, तो आप ध्यान में रख लीजिएगा। तो आगे लिखा है, फिर इसके बाद क्या किया है, जो 1/R1T1 1/R2T2 1/R3T3 1/R1T1 को M1 मान लिया, 1/R2T2 को M2 मान लिया, 1/R3T3 को M3 मान लिया और 1/RNTN को MN मान लिया, ठीक है। इस प्रकार अलग अलग जब आप निकालोगे मूलधन सबके लिए तो ये निकलेगा P1 = M1/M1+M2+M3+MN, मतलब हम M1/R1T1 का वैल्यू अलग अलग ज्ञात कर लेंगे सबका, 1/R1 का, फिर 1/R2 का, 1/R3, अलग अलग वैल्यू ज्ञात करने के बाद इस प्रकार आप रख दोगे तो हमारा जो वैल्यू रहेगा वो निकल आएगा, ठीक है, सारे का, ठीक है। तो चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, यदि पी रुपए की राशि को साधारण ब्याज पर इस प्रकार दिया जाता है कि कुछ धनराशि T1 वर्ष में R1 की दर, कुछ धनराशि T2 वर्ष में R2 की दर और कुछ धनराशि T3 वर्ष में R3 की दर और शेष धनराशि अगले TN वर्ष में RN की दर हो, तो समय के समाप्ति के पश्चात समान धनराशि हो तो साधारण ब्याज, तो अलग अलग दरों पर अलग अलग मिश्रधन की राशि क्या होगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, सेम है, उसमें क्या था, पिछले वाले जो आपका जो पॉइंट था, पिछले वाले पॉइंट में समान क्या था, ब्याज था, यहाँ क्या समान धनराशि है। तो हम इसके लिए क्या अलग फार्मूला है, याद रख लीजिए, समान ब्याज या समान धनराशि में केवल क्या है कि जो हर में 100 रुपये का डिफरेंस है, बस 100 रुपये इसमें जोड़ दोगे तो समान धनराशि वाला आ जाएगा और 100 रुपये हटा दोगे तो समान ब्याज पे ये निकल आएगा। तो याद रख लीजिए, ये है पूरा डिटेल फार्मूला, तैयार कर लोगे तो बढ़िया है। समझने के लिए मैं बता देता हूँ, समान ब्याज पे क्या रहेगा, 100 रुपये डिडक्ट हो जाएगा, नहीं रहेगा, और समान धनराशि रहेगा तो 100% ऐड हो जाएगा। तो आगे है, यदि पी रुपए की राशि आर की दर पर टी वर्षों के लिए लिया जाता है, यदि मूलधन पी से जेड रुपए अधिक या कम हो तो पहले से कितना अधिक या कम साधारण ब्याज प्राप्त होगा। तो याद रख लीजिए,
आपको बता रहा हूँ। इसमें क्या है कि जो मूलधन है, मूलधन में कम या ज्यादा, मतलब मूलधन में डिफरेंस बताया जा रहा है, तो इसलिए हम साधारण ब्याज में भी डिफरेंस आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ डेल्टा पी आर टी अपॉन 100 हो गया। डेल्टा पी को मैंने जेड मान लिया तो आर टी अपॉन 100। तो जहाँ डेल्टा पी आपको बता देता हूँ, ये लिखा है पी टू माइनस पी वन, मतलब ये क्या होगा, कम या ज्यादा वाला यहाँ लिख देंगे, ठीक, वैल्यू माइनस पी कर देंगे, तो जो जेड का जो धनात्मक वैल्यू आएगा यहाँ रखा जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। यदि पी की रुपए की धनराशि आर की दर पर टी वर्षों के लिए लिया जाता है, यदि ब्याज की दर आर परसेंट से जेड परसेंट अधिक या कम होता है, तो पहले से कितना अधिक साधारण ब्याज प्राप्त होगा। तो ये फार्मूला, इसमें क्या है कि डिफरेंस जो आ रहा है इसमें दर में आ रहा है, तो दर में आ रहा है डिफरेंस, तो ये फार्मूला लगेगा, ठीक है। पिछले वाले में किसमें डिफरेंस आ रहा था, मूलधन में, इसमें किसमें आ रहा है डिफरेंस, दर में। यदि पी रुपए की राशि आर की दर पर टी वर्षों के लिए लिया जाता है, यदि धनराशि जेड वर्ष ज्यादा या कम वर्षों के लिए लिया जाए तो पहले से कितना अधिक कम साधारण ब्याज प्राप्त होगा। तो इसमें क्या है कि टाइम का डिफरेंस है, ठीक है, और सब कुछ समान है, तो यहाँ देख सकते हैं वैसे ही फार्मूला है। जहाँ टाइम का डिफरेंस होगा तो वहाँ टाइम का डिफरेंस कर देंगे सिंपल इंटरेस्ट में, जहाँ जहाँ क्या कहते हैं दर में डिफरेंस हो दर का डिफरेंस करके निकाल लेंगे, जहाँ मूलधन डिफरेंस होगा मूलधन का, ये फार्मूला आया। आगे है, यदि पी रुपए की राशि आर वन की दर पर टी वन वर्ष के लिए लिया जाता है, तो इसी पी रुपए की राशि को आर टू की दर पर टी टू वर्षों के लिए लिया जाए, तो पहले से कितना अधिक या कम साधारण ब्याज प्राप्त होगा। इसमें क्या है कि दो का आ रहा है डिफरेंशिएशन, एक टाइम का आ रहा है एक दर का आ रहा है, तो ये फार्मूला लगेगा, ठीक है। अगला है, यदि एम रुपए की राशि को टी वर्षों में दे हो और साधारण ब्याज की दर जो है आर परसेंट हो, तो बराबर वार्षिक जो किस्त की राशि होगी, ये फार्मूला है, ये तैयार कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। ये फार्मूला क्या है, 100 एम अपन 100 टी प्लस बड़ा ब्रैकेट है, इसके बाद स्मॉल ब्रैकेट में टी माइनस वन प्लस टी माइनस टू फिर प्लस टी माइनस टी इंटू आगे का फार्मूला है। यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से टी वन वर्षों में ए वन और टी टू वर्षों में ए टू हो जाती है, तो वो धनराशि पी होगी वो ए वन माइनस ए टू माइनस ए वन अपॉन टी टू माइनस टी वन होगा इंटू टी वन होगा, तो याद रख लीजिए, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो दर है रेट है वो समान है, ठीक है, रेट इसमें क्या है समान है, ठीक है, रेट जब समान रहे तो ये फार्मूला लग जाएगा, ठीक है दोस्तों। चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज का ये वाला फार्मूला मैंने पिछली बार बताया था, अब आगे चलते हैं, ये तो आपको बता ही दिया था। यदि कोई धनराशि आर परसेंट की चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर टी वर्षों के लिए दिया जाता है, तो समय के समाप्ति के पश्चात कुल धनराशि ये होगा, वही सेम ही है। इसमें क्या था कि ब्याज निकाला गया था, तो यानी इसमें क्या था, मूल धन में से यदि मूलधन निकाल दोगे ब्याज हो जाएगा, ये क्या है पूरा, ये हमारा मिश्रधन है, सेम फार्मूला है पिछले जैसा ही। यदि कोई धनराशि आर परसेंट की चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर टी एक्स बाई वाई वर्षों के लिए दिया जाता है, तो समय के समाप्ति के पश्चात कुल धनराशि कितना होगा। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसमें क्या था कि जो वर्ष है यहाँ क्या है पूर्णांक है, मतलब इसमें क्या है होल नंबर है, ठीक है, यानी ये क्या है पूर्णांक है, ठीक है, यानी होल नंबर है, मतलब इसको हम बोल सकते हैं इंटीजर है, इंटीजर है यहाँ, लेकिन जो टाइम है इंटीजर ना होकर के ये क्या है, ये है हमारा रेशनल नंबर है, ठीक है। यदि टाइम रेशनल नंबर होगा तो इसमें क्या करना है, सेम ही रहेगा, पूर्णांक वाला अलग कर लेंगे और रेशनल नंबर वाला अलग करके 1 प्लस आर बाई 100 एक्स बाई वाई हो जाएगा। यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर टी वर्षों के लिए इस प्रकार दिया जाता है कि पहले वर्ष में आर वन वर्ष आर वन परसेंट और दूसरे वर्ष में आर टू परसेंट, तब ये ऐसे यंथ तक लिया जा रहा है, तो यंथ वर्ष में कितना होगा आर एस परसेंट लिखा है, तो आगे के वर्ष में आर टी परसेंट की दर लगती है, तो समय के समाप्ति के पश्चात कुल धनराशि इस प्रकार निकलेगा, याद रख लीजिए फार्मूला, ठीक है। आगे चलते हैं। यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से n वर्षों में अपने से x गुना हो जाती है, तो x m गुना होने में कितना समय लगेगा, याद रख लीजिए, यदि x गुना होने में n वर्ष लग रहा है तो x पावर m गुना होने में n इंटू m समय लगेगा, ये फार्मूला याद रख लीजिए। अगला है, यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज कि एक निश्चित दर से n वर्षों में x गुना हो जाती है, और तो n क्रॉस m वर्षों में अपने से कितना गुना होगी, तो याद रख लीजिए n वर्षों में x गुना हो रहा था, n क्रॉस m वर्षों में x पावर m गुना हो जाएगी, तो फार्मूला याद रख लेंगे तो बढ़िया रहेगा, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों, अगला है, यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से कुछ वर्षों में a रुपये और दुगुने वर्षों में b रुपये हो जाता है, तो वो धनराशि P इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर बाई बी, ये फार्मूला याद रख लीजिए दोस्तों।
पी रुपए की राशि एन वर्षों में ए हो जाती है तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर जो होगी इस प्रकार निकलेगा। यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से एन1 वर्षों में A1, N2 वर्षों में A2 हो जाती है तो चक्रवृद्धि ब्याज की जो दर होगी इस प्रकार होगी, R% इक्वल टू A2 अपॉन A1 होल का पावर N2 माइनस 1 अपॉन N2 माइनस N1 माइनस 1 इंटू 100। ये फॉर्मूला याद कर लीजिए दोस्तों। यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से N1 वर्षों में अपने से M1 गुना और N2 वर्षों में अपने से M2 गुना हो जाती है तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या होगी, तो याद रख लीजिए N1 वर्षों में M1 गुना हो रहा है, N2 वर्षों में M2 गुना, तो इस प्रकार यह निकलेगा। ठीक है, अगला है, यदि किसी धनराशि पर 2 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज यस रुपए है और चक्रवृद्धि ब्याज सी रुपए प्राप्त होता है तो ब्याज की दर क्या होगा, तो ये 2 वर्षों के लिए बोला है तो 2 × C - S / S × 100, ये चक्रवृद्धि ब्याज की दर है। आगे चल, फिर लिखा है पी रुपए पर R% की दर से 2 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर D = PR² / 100² होगा, ये याद रखिए। ठीक है, जो चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होगा ये फार्मूला। अगला है, ये 2 वर्षों का था, अगला 3 वर्षों के लिए है। पी रुपए की राशि पर R% की दर से 3 वर्षों में प्राप्त जो कंपाउंड इंटरेस्ट है और सिंपल इंटरेस्ट जो है उसका अंतर क्या होगा, ये है फार्मूला, ये 3 वर्षों के लिए। तो क्या लिखा है, D = PR² (300+R/100³). ठीक है दोस्तों, R1% की दर से यदि किसी धनराशि पर 2 वर्षों का प्राप्त साधारण ब्याज S रुपए हो तो चक्रवृद्धि ब्याज C = क्या होगा, 1+R/200 / R/200 होगी। मतलब कि यदि R% की दर से 2 वर्षों का जो प्राप्त साधारण ब्याज यस रुपए हो तो चक्रवृद्धि ब्याज इस प्रकार निकलेगा। ठीक है, यहाँ यस इंटू होगा दोस्तों, यहाँ नहीं लिखा है, यहाँ यस इंटू होगा। ठीक है, तो यस इंटू 1+R/200 होगी चक्रवृद्धि ब्याज। यदि किसी धनराशि पर R% की दर से 3 वर्षों का प्राप्त साधारण ब्याज एस रुपए हो तो उसी धनराशि पर उसी दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, उसमें 2 वर्षों का था, इसमें क्या है 3 वर्षों का, तो सेम ही है फार्मूला। वहाँ क्या हो गया, केवल 1+R/200, यहाँ R/100, इसके आगे फिर R² / 30,000 हो गया। ये फार्मूला याद रख लीजिए दोस्तों।